अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेफ़ जवाद और आपके लिए लाया हूं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन विंग्स स्टू, या इसको सादे ज़बान में कह सकते हैं प्याज गोश्त। स्टू को मैंने चिकन विंग्स में बनाया है। आप चाहें तो इसको बड़े गोश्त में बना सकते हैं, या मटन में बना सकते हैं, या फिर सिंपल चिकन में ही बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी रेसिपी डायरी की तरफ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये 2.5 किलो चिकन विंग्स की रेसिपी है। आप चाहें तो इसको तकरीबन 1 किलो या आधा किलो में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो मैंने चिकन विंग्स लिए तकरीबन 2.5 किलो, प्याज 5 किलो, टमाटर 1 किलो, दही 1/2 किलो, लहसुन अदरक 3 खाने के चम्मचे, मोटा चॉप, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, तेज़पत्ता 3 से 4 पत्ते, बड़ी इलायची 6 अदद, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, लौंग 6 से 8 अदद, दालचीनी 3 से 4 स्टिक, काली मिर्च 10 से 15 अदद, नमक हसबे ज़ायका। चिकन विंग्स स्टू मसाला पाउडर ये मैंने अलग से बनाया है, तो आपने भी अलग से पाउडर बनाना है इसको। उसके लिए मैंने दक्कनी मिर्च पाउडर लिया है, यानी वाइट पेपर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर 1 खाने का चम्मच, साबित धनिया कूटा हुआ, इसे आप बारीक कूट लें इमाम दस्ते में, या फिर मोटा ग्राइंड कर लें 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा कूटा हुआ 1 खाने का चम्मच, साबित लाल मिर्च कुटी हुई 3 से 7 अदद। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, गार्निश के लिए साबित लाल मिर्च 3 से 7 अदद, हरे मिर्च 3 से 7 अदद, हरा धनिया 1 गड्डी। सबसे पहले एक पतीले के अंदर हम ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे हम। ऑयल गरम होते ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को भूनेंगे। ख्याल रखें कि प्याज को इतना ना पकाएं कि वो काली हो जाए, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम सारे खड़े मसाले डालेंगे, उसके बाद हम इसको भूनेंगे। ध्यान रहे कि अभी तक मैंने प्याज ब्राउन नहीं की, और अब इसके अंदर हम चिकन विंग्स ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर हम चॉप लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक को पहले ही ऑयल में आप फ्राई कर लें, उसके बाद प्याज डाल लें, लेकिन लहसुन अदरक की खुशबू नहीं आएगी सही से और ये ब्राउन हो जाएगा, जिससे हमारा स्टू का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने इसको चिकन के बाद ही ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, और इसको फिर भून रहा हूँ। अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए, उसके बाद फिर मैं इसको पकाऊंगा अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से सौते करूँगा इसको। पकने के बाद इसको मैं ढक दूंगा तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट बाद देखें, हल्की आंच में मैंने इसको पकाया था, अब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। दही डालने के बाद मैं इसको थोड़ा चम्मच चलाने के बाद तकरीबन 5-10 मिनट के लिए फिर ढक दूंगा। ध्यान रहे अब तक इसके टेक्सचर में कोई ख़राबी नहीं आई और ये वाइट टेक्सचर है और बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर है। ये देखिए, तकरीबन मैंने 9 से 10 मिनट तक इसको ढक्कन रख के हल्की आंच पकाया था, और डिपेंड करता है आपके भुनाई के ऊपर। अगर आप खाने में आपकी भुनाई अच्छी है, आप भूनते अच्छा है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खाने में और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। अब मैंने इसके अंदर मसाला पाउडर जो मैंने बताया था आपको, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया,
और अब आप इसके अंदर देखिएगा मसाला डालने के बाद इसका टेक्सचर और कितना ज़बरदस्त हो जाता है और कितनी अच्छी लुक आती है इसकी। ये ख़ास उन लोगों के लिए डिश है कि जो लोग स्पाइसी से अवॉइड करते हैं, जो मिर्चें खाना पसंद नहीं करते, ये उन लोगों के लिए। बहरहाल इसको सभी खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसको नॉर्मली बनाया है। इसे नॉन स्पाइसी भी खा सकते हैं और स्पाइसी भी खा सकते हैं। ये लीजिए मौजूद सार्फिन, आप लोग की रेसिपी अब तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल डिश आउट करने के लिए तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आके मेरी रेसिपी के बारे में बताएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह।